प्लीज आप अगर चाहें तो इस हॉल से बाहर जाएं, प्लीज मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आपसे मैं दोनों से कह रहा हूं, आप चाहें तो इस हॉल के बाहर चले जाएं, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है और दूसरों को सुनने में तकलीफ हो रही है। कम से कम आप यहाँ अमरीकी सभ्यता का ये लक्षण पेश ना करें कि आप इंडिविजुअल हैं और हम सब एक समाज के। हाँ, तो वो आप मेरे व्याख्यान के बाद कहिए ना, ये तो जाने के कह रहे थे, तो आप जाने दीजिए ना उनको। आप जो है इतना डिस्टरबेंस कर रहे हैं, कोई तो इतना डिस्टरबेंस नहीं कर रहा यहाँ पे, सो हॉट इन हॉट कंट्री, लेकिन आप जो है इतना ज्यादा क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं? डोंट बी सो हॉट इन हॉट कंट्री, आपका मिसबिहेवियर मुझे हॉट होने के लिए मजबूर कर रहा है। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों अपनी गपशप कर रहे हैं, तो बाहर जाके करें। यू आर टॉकिंग बिसाइड द टॉपिक, ये तो आप बाद में कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप बाहर बैठकर बात करें, ये तो भारतीय सभ्यता के अनुकूल नहीं बैठता कहीं भी। तो अगर आपको नॉनसेंस लगता है तो यहाँ से जाइए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हाँ, तो शांति से सुनिए उसको, अगर सुनना है तो शांति से सुनिए, उत्तर देना है तो शांति से दीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि कोई बात कर रहा है और आप बीच बीच में अपनी बात करें, तो वो बाहर जाके कर सकते हैं आप, इस हॉल में दो दरवाजे हैं। वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, सबकी नहीं है वो। अरे आपको रुचि नहीं है तो जाइए ना, आप बहस बहुत कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिए, आप सबको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, क्या मतलब? चलिए सर, आप बोलिए।